तो फ्रेंड्स, आप लोग का प्रोसेट श्रद्धा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही प्यारा फ्लावर डिजाइन लेकर के आई हूँ। इसको आप ज्वाइंट करके बेडशीट, कुशन कवर, टेबल क्लॉथ, जो भी अपने अनुसार बनाना चाहें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालते हुए इसमें एक नॉट लगा लेंगे। एक चेन ले लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक हो गया फ्रेंड्स, दो, तीन, चार, पाँच, इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाते हैं। फिर इस तरह से फ्रेंड्स, ये टोटल 14 डबल क्रोशिया हो गया है। इसको इस तरह से मैजिक रिंग को खींच देंगे। इसको पहला वाला चेन से यहाँ पर डालते हुए इसको भी साथ में ले लेंगे। इसको लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे और सेम चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे। दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया फ्रेंड्स। और इसके यहाँ से इस तरह से खींच देंगे। एक पफ तैयार हो गया। यहाँ पर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 इसके यहाँ से डालते हुए एक पफ बना देंगे। फिर यहाँ पर 1, 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए टू, थ्री, नेक्स्ट चेन में डालते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। यह टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पफ बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद 2 चेन ले लेंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे। इस तरह से बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ से लगाएंगे, जहाँ 2 चेन का गैप दिया था वहीं से इसको ज्वाइंट कर देंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से
नेक्स्ट वाला गैप में डालते हैं, यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो वन टू थ्री डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद वन टू थ्री चेन लेंगे और इस तरह से डालते हुए एक पिकॉट बना लेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर। फिर इसी में वन टू थ्री डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में वन टू थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन लेकर के एक पिकॉट बना देंगे। वन टू थ्री डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डालते हुए सिंगल क्रोशिया। टू थ्री और थ्री चेन ले लेंगे एक पिकॉट और थ्री डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे। टू थ्री नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया और इसको यहाँ से डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरा कलर लेंगे। वन चेन लेंगे, वन चेन लेकर टू चेन लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद इस तरह से एक पफ बनाएंगे। टू थ्री फोर टाइम वन चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसमें इस तरह से इसको देखिए कितना सुंदर है फ्लावर बनके तैयार हो गया। इसमें दूसरा फ्लावर बना करके यहाँ यहाँ से ज्वाइंट करते हुए इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। इससे आप बेडशीट या कुशन कवर थालपोश जो भी बनाना चाहें बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर यह डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।